हेलो दोस्तों, मैं विवेक गैजेट गाइड फोर से आज एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। इस वीडियो में आपको इनफोकस स्नैप 4 के कैमरे के बारे में बताऊंगा, जो मेन हाईलाइट है इस फ़ोन का। यहां पे आपको फ्रंट में मिलेगा डुअल कैमरा 8 मेगापिक्सल के, और बैक में भी आपको मिलेगा डुअल कैमरा 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का। कैमरा इंटरफेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस पर टैप करेंगे तो आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको कुछ ही ऑप्शन दिखाई देंगे, और आप इनको चेंज कर सकते हैं इन केस अगर आप चेंज करना चाहें। और अदर सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सेटिंग्स बटन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे जियो लोकेशन टैग, ग्रिड, वॉल्यूम बटन, पिक्चर साइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप सेटिंग्स को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस क्लिक की गई हैं, ये देख सकते हैं आप, डिटेल्स इतनी शार्प नहीं है। देखना होगा कि जब फ़ोन रिव्यू यूनिट के लिए आएगा तब देखते हैं कि है ना क्या है। रियलिटी में यहाँ पे इतना टाइम है नहीं कि हर चीज़ डिटेल में देखी जाए। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरफेस यहाँ पे भी मेरे मिस्टेक है, और जो फीचर्स हैं यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कंपेयर करें अगर बैक कैमरा के साथ। और यहाँ पे सेटिंग्स में टैप करोगे तो आपको वही सेम ऑप्शंस मिलते हैं। ओवरऑल फ़ोन सही है, 12,000 के पैसे में आपको 4 कैमरा मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे शेयर करना मत भूलिए। जल्दी मैं आपको नए वीडियो में मिलता हूँ।